हाँ जी भाई जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी हाँ जी जी, आज भाई जी मुझे सबसे अपना भी पर्सनल अनुभव जो है याद आ गया कि जब बाबा ने बोला ना कि युगलों को उठाया, कि युगल उठो, कि आप तो लक्ष्मी नारायण का सिंबल हो विश्व के आगे। तो जैसे तो मुझे अपना भी वो जो एक्सपीरियंस याद आ गई जब मैं अपने युगल के साथ गई थी वहां पर मधुबन में, तो मुझे भी ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे हम लक्ष्मी नारायण है। और इतना नशा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मुझे मेरा सीन वही सामने मेरे आ गया, इमर्ज हो गया। और फिर बाबा ने बोला कि युगल माना कि परवृत्ति, प्रवृत्ति में रहने वाले, माना कि परवृत्ति से परे, न्यारे और प्यारे हैं। तो इस तरीके से जब हम जो है, और इसके लिए हमारा जो है बाबा ने कमल फूल समान जीवन जो हमें बाबा ने बताया हुआ है इसके लिए, तो ये चीज को जब हम लेकर चलते हैं तो हमारी वाकई जो जिसको हम गृहस्थ आश्रम गृहस्थ बोलते हैं ना, गृहस्थी है, तो वो हमारा गृहस्थ जो है वो आश्रम बन जाता है। ओम शांति। देखो, आपने जो बात बताया ना कि लक्ष्मी नारायण, तो हमने कई सेंटर उनको भी देखा है। जैसे कि पहले ही जनपद कोर्स के लिए आए थे, तो मैंने उनको थोड़ा सा बताया कि आप कोर्स के लिए आए हो तो आपको क्या बना होता है ना, पहले फॉर्म वगैरह भरना, फिर उनको तो किस उद्देश्य कोर्स के लिए आए हो। कोई जैसे भगवान को ढूंढने के लिए आते हैं, कोई सुख शांति के लिए आते हैं, तो कोई एकाग्रता के, कुछ हर एक का अलग अलग होता है। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा आंसर दिया कि उन्होंने कहा कि यहाँ जो आते हैं ना, कई सारे युगल भी आते हैं, घर में रहते हुए भी ज्ञान में चलते हैं। तो इनको देखकर मुझे भी लगा कि इन चाहे जैसा मैं भी कुछ करूँ, इसलिए मैंने कोर्स ज्वाइन किया। तो देखो कि ये बाबा ने आज बताया ना कि तुमको देखकर, आप सबको भी देखकर आप केवल इंस्ट्रूमेंट बनो सबके साथ सामने, तो ऑटोमेटिक लोग आपको देखकर ज्ञान में आना स्टार्ट करें। क्योंकि सेंटर के बहनों को देखते हैं तो बोलते कि अरे ये तो क्या रहने उधर समर्पित है, ये तो हमें पॉसिबल नहीं है, तो उनको देखकर वो थोड़ा सा पीछे हटते। तो मैंने देखा कई सारे, और उस सेंटर में ना बहुत ज्यादा युगल है ना, तो बहुत ज्यादा संख्या में वृद्धि होती है। तो इसलिए बाबा ने बताया कि आपको देखकर सबको, सब लोग आए। और शायद ऐसा होता भी है कि कई लोगों को गृहस्थी, क्योंकि देखो कि जो ऑफिस में जाते हैं, देखो सेंटर वाले बहने तो कभी ऑफिस में जाते नहीं, तो एक्चुअली जो सेवा के फील्ड में जाने वाले हैं ना, हम सब लोग अगर देखा जाए तो, क्योंकि हम सब रिलेशनशिप में भी निभाने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं। तो देखो एक शमशान का भी बहुत अच्छे से सेवा का एक प्लान बनाया, तो वहां पर भी देखो कितनी अच्छी सेवा हो रही है। तो वहाँ जाते कौन है, घर गृहस्थी वाले। इसलिए कभी अपने को कम नहीं समझना कि नहीं मुझे तो कुछ पता नहीं है, इतनी सेवा हम कर नहीं सकते, तो इस बात में बहुत आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बाबा ने अलग अलग ग्रुप के लिए बताया, स्पार्क के लिए क्या 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 बताया, कोई बता सकते हैं? ओम शांति। स्पार्क ग्रुप के लिए बाबा ने बताया कि अनुभवी मूर्त बनकर अनुभव को प्रैक्टिकल में लाकर रिसर्च करने के लिए। और उन्होंने बोला कि इसको अनुभूति कराने की रिसर्च करो, यानी दूसरे को भी अनुभूति कराने का, सिर्फ अपने खुद में अनुभूति करने का नहीं, दूसरों को भी प्रैक्टिकल अनुभूति कराने का भी रिसर्च करो, कैसे करा सकते हैं, इसके लिए बाबा ने जोर दिया। और मुझे एक चीज इस मुरली में बहुत अच्छी लगी, ये कि बाबा ने कहा ना कि भाषण भले ही नहीं करते हो, मुरली भले ही नहीं अपनाते हो, लेकिन अगर एग्जाम्पल बन जाते हो, जैसे ब्रह्मा बाबा है ना एग्जाम्पल हम लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए, तो बाबा कहते हैं कि जैसे एग्जाम्पल अगर बन जाते हो तो ये सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि वो सबको संतुष्टता का अनुभव कराता है। और ये बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि इसमें फिर हमको सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारा चेहरा, चलन, हमारा बोल, हमारा व्यक्तित्व, हर एक चीज हमारा खुद ऑटोमेटिकली सेवा करता है।
ओम शांति। ठीक है, और भी कोई बताए, शेयर कीजिए। देखो क्या आप सबका क्या अनुभव है कि समझ लो कि आने वाले जो होते हैं ना कि बाबा ने आज जो थोड़ी थोड़ी बातें इसके बारे में भी बताया कि अनुभव करके अनुभवी मुहूर्त बन के अनुभव कराने का प्रैक्टिकल में रिसर्च करो, तो आपको क्या लगता है कि कैसे अनुभवी मुहूर्त बनेंगे और कैसे रिसर्च क्या क्या करने, अगर किसी कोई मन में कुछ विधि हो तो बता सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी है। क्योंकि वैसा देखा जाए ना तो मुझे भी कभी कभी लगता है कि वैसे हम ज्ञान तो मना कभी कभी हम कुछ विषय ज्ञान तो सुनाते हैं, लेकिन अगर उसमें अनुभूति नहीं हो रही तो बाकी लोगों के पास भी बहुत सारा ज्ञान है, ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं है। हमारे अगर ज्ञान में अनुभव नहीं है तो वो थोड़ा सा सूखा सूखा रूखा सूखा ज्ञान होता है, तो ऐसे अनुभव को कैसे बढ़ाएं? ओम शांति। जैसे पहले से लोग हमें देखते हैं, जैसे हम अपने जैसे प्रवृत्ति मार्ग में चल रहे हैं, तो पहले जो हमारे घर में परेशानियां थी या जैसे उनसे जैसे घर में जो भी लड़ाई होती थी या ऐसा कुछ होता था, तो उससे बहुत फर्क आया घर में। तो लोग उस चीज को देखते हैं और महसूस करते हैं कि नहीं, इनके घर में बहुत फर्क पड़ा है, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है इनके अंदर जो ये कुछ करते हैं जिससे बहुत फर्क पड़ता है। और जैसे वो तो एग्जाम्पल तक देते हैं कि आप तो दुआएं देने वाले हो सबको, आप तो ऐसे अच्छे वो मीन्स अच्छे रखने वाले हो, विचार रखने वाले हो, तो ऐसा बहुत अच्छा लगता है जब हम सुनते हैं और लोग हमें आकर ऐसे ऐसे बोलते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, हम में भी बदलाव आ रहा है और भाई फर्क पड़ रहा है, तो ही तो वो दूसरे लोग बोल रहे हैं ना, तो इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। ओम शांति। ओम शांति भाई। हाँ हाँ बोलिए। हाँ भाई, ये जो कहते हैं ना लोग हमें बहुत ऑब्जर्व करते हैं, और अभी हाल ही का एक एग्जांपल है, एक बहन को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनको बस मैंने यही कहा कि बाबा के नाम से आप भोग लगा दो। तब अपने यहाँ तो प्रवृत्ति मार्ग हमारे लोग अपना ही, हम लोग बाबा के ही बच्चे का बाबा पैसा लेते हैं, तो उन्होंने मुझे दिया और मैंने लगा दिया भोग, और इंस्टेंट वो मुझे आने के बाद कह रहे हैं कि बहन मुझे ऐसा लगा कि बाबा के यहाँ से किरणें निकली और मुझे उससे तुरंत राहत हो गई। तो आपने जो बाबा का कहा था ना, मैं बाबा का अभी जाऊंगी और मैं करूंगी। और उन्होंने तब से घर में ही शिवानी बहन की क्लास, सूरज भाई की क्लास, ये सब सुनना उन्होंने शुरू किया है भी, और मुझे कह रहे थे कि बहन मुझे ना अभी बाबा के पास ले चलो और मुझे भी कोर्स करना है आपके साथ में। ओम शांति। जी जी क्योंकि ये एग्जाम्पल बनना भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हमारे जीवन से दूसरों को जीवन बनाना, ये सबसे बाबा ने इम्पोर्टेंट हमें जॉब जॉब दिया है,
कि अगर हम नहीं करते हैं तो हमें अपने अंदर देखने के क्यों नहीं हो रहा है। लोगों को हमको देखकर इच्छा होनी चाहिए कि इनको क्या मिला है, इनका चेहरा देखो कितना है, इनका चाल चलन देखो कितनी रॉयल है, तो वो उनको खुद ही यहाँ आने की इच्छा होनी चाहिए। तो ऐसे और क्या क्या बातें हैं कि हमारे हम क्या, या आपको कुछ अनुभव होगा तो भी बताना कि आपके कारण थोड़ा सा उनको भी लगता है कि हाँ हम भी इस ज्ञान में आए। ओम शांति भाई जी, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि मैं किसी को, अभी कुछ दिन पहले हम मधुबन से आए थे तो उनको एक ब्रह्मा बाबा का चित्र आपने से मांगी थी मुझसे, तो उनको दिए थे। वो ज्ञान में नहीं चलते हैं, मुझसे ही थोड़ा बहुत सुने हैं। अभी जैसे हम अभी क्लास कर रहे थे तो वो मोबाइल में देख रही हूँ कि मैसेज भेज रहे हैं कि हम वो फोटो के सामने मेडिटेशन कर रहे थे, तो हम ही उसको थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन का सिखाए थे, ऐसे ही कुछ खास नहीं सीखी है वो। तो बोले कि मुझे शंकर भगवान दिख रहा है जितना बार हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शंकर भगवान क्यों दिख रहे हैं वो तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उसको ऐसे कुछ कुछ अनुभूति हो रहा है अभी, मैंने अभी अभी वो मैसेज कर रही थी, तो उसका हम मतलब क्या समझाऊं उसको वो तो मुझे समझ में नहीं आया। वो पूछ रही है कि क्यों ऐसा हो रहा है, हालांकि शुरू शुरू में ऐसा होता है ऐसा बोली हूँ, लेकिन क्या कारण हो सकता है कि उसको शंकर भगवान क्यों दिख रहा है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, क्या इसके लिए मैं कुछ अपना पर्सनल अनुभव बता सकती हूँ? हाँ जी भाई जी, ऐसा है दीदी कि जब मैं ज्ञान में नहीं थी ना, तो मेरी आस्था थी तो शिव में ही, मैं उनको उनकी बहुत भक्ति करती थी, कितनी कितनी देर उनके सामने बैठकर मैं योग लगाती थी, मैं उनको शिव ही समझती थी। ये तो ज्ञान के बाद में आकर पता चला कि शिव और शंकर जी में क्या डिफरेंस है। तो हमें हमारी, जैसे बाबा बोलते हैं ना कि भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए मैं आता हूँ, तो साक्षात्कार की जो चाबी है वो बाबा के पास है, दिव्य चाबी। तो इस तरीके से हमारी जिसमें भावना बैठी होती है तो बाबा ऐसा हमें उसके थ्रू हमें जो है वो साक्षात्कार कराते हैं। तो इस तरीके से मुझे ज्ञान में आने से पहले, कुछ दिन पहले से ही ऐसे साक्षात्कार इतने हुए कि शंकर जी के साक्षात्कार होना शुरू हो गया, कि कैसे शंकर जी ने मेरी और त्रिशूल किया, तो मेरी सब जो जो भी मेरे अंदर की जो बीमारी थी उस समय मैं काफी मतलब अपनी मानसिक बीमारियों से भी जूझ रही थी, तो इस तरीके से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो इस तरीके से उनको अभी उनकी भावना बाबा में है, शिव बाबा में है, उसी का थ्रू लेते हुए बाबा उनको, मुझे ऐसा लगता है कि वो साक्षात्कार करवा रहे हैं। तो जहां तक मेरा अपना पर्सनल, उसी के अकॉर्डिंग तो मैंने आपके साथ ये शेयर किया। ओम शांति। अरे बहुत अच्छे, मैं जो कुछ है समझ लो कि देखो कि अभी अगले मास में जनवरी मास है, तो कुछ होता है हल्दी कुमकुम प्रोग्राम, ये मैं देखता हूँ कि काफी सारे माताएं जो है ना, इसलिए माताओं की संख्या क्यों बढ़ती है, मैंने देखा कि एक माता है ना अनेकों को लेकर आते हैं कि देखो ये बाबा का घर में आ जाओ, ये देखो इस ज्ञान को ले लो, और आप खुद भी क्या क्या करते हैं कि दूसरों को कुछ ना कुछ ज्ञान का बाण मारते रहते हैं। इसके कारण भी देखो कि देखो ये भी बहुत बड़ी बात है कि किसी को कुछ गिफ्ट देना, ये बुक्स की गिफ्ट देना, कुछ होता है ना कुछ छोटे छोटे बुक्स होते हैं मन की शांति वगैरह, तो इससे क्या होता है कि हमारा उनके साथ, बाबा बोलते हैं ना इस प्रकार हमें सेवा में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है और उनको ज्ञान के पॉइंट भी बताना है, इसका डबल फायदा है क्योंकि हमें भी उस ज्ञान के डीप में जाएंगे। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना कि दूसरों को जब आप भाषण करना है ना, तो सबसे पहले उसका पॉइंट्स आप खुद निकालो। तो इस प्रकार बातें बहुत छोटी है लेकिन हमें बहुत बहुत इसका डीप, बोलते हैं ना कि आप एक किसी देवता को कुछ बना रहे हैं, कोई कम बात नहीं है, आपकी प्रजा बन रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे बाबा के जो है ना हर वर्ग के लिए बाबा ने कहा है, तो माताओं ने माताओं के वर्ग को, या कोई होता है ना कि अपना अपना कुछ बिजनेस होते है, अपने अपना कुछ कमिटी होते है, सब में अपना अपना करना चाहिए। ठीक है, लास्ट में आज हम यही अभ्यास करते हैं।
जैसे बाबा ने बोला ना कि अनुभवी मरत बन अनुभव कराने का प्रैक्टिकल में रिसर्च करना, तो आज इस पॉइंट के ऊपर बहुत बहुत ध्यान देना कि मुझे अनुभवी मूर्त बनना भी है और दूसरों को अनुभव कैसे कराना है, किसी को शांति का, किसी का सुख का, इसका रिसर्च हम करेंगे कल अमृत वेले से लेकर रात तक जब भी टाइम मिले ना, कि कैसे इसको हम दूसरों को हम बनाएंगे। क्योंकि बाबा ने बोला ना कि दुनिया एग्जाम्पल को देख करके मानती है, आपका जीवन देखकर वो खुद आते हैं, तो ऐसे हमें एग्जाम्पल बनना है। इस बात को हम कल सारा दिन भर में होमवर्क के रूप में देना कि मुझे एग्जाम्पल बनना है, ठीक है। तो अभी हम मनसा सेवा एक 8-10 मिनट करते हैं, खास जो बाबा बोलते हैं ना सारे विश्व को। मैं आत्मा, मास्टर ज्ञान सूर्य, प्रकृति की कुटिया में विराजमान, मैं बहुत बहुत भाग्यशाली, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूँ। इस देह की मालिक हूँ, मैंने अनेक शरीर लिए हैं और छोड़े हैं, अब मैं इस अंतिम शरीर में हूँ। मुझसे चारों ओर पावरफुल किरणें फैल रही हैं, ये शक्तियों की किरणें मेरे चारों ओर एक पावरफुल आभा मंडल बना रही हैं।
मैं इस हवा मंडल के बीच में विराजमान हूं। यहाँ से मैं आत्मा उड़ चली अपने परम धाम। यहाँ चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश है। ये शांति का धाम इस संसार में आने से पहले मैं यहीं थी। यहाँ चारों ओर गहन शांति है। ये शांति मुझ में समाने लगी। चित शांत हो गया। ऊपर हैं सृष्टि के बीज, निराकार शिव बाबा, ज्ञान सूर्य,
सर्वशक्तिवान। उनका दिव्य तेज चारों ओर फैल रहा है। वे शांति के सागर हैं।